మహారాష్ట్ర సీఎంతో తెలంగాణ సీఎం భేటీ అయ్యారు. ఈ రోజు 5 కీలక ఒప్పందాలు చేసుకున్నారు. దీనికి సంబంధించి ఇప్పుడు అలా చూద్దాం. సీఎం గారికి అపేక్షా కర్తా హూ ఔర్ ఆప్కా యహాన్ బహుత్ బహుత్ స్వాగత్ కర్తా హూ. ఆప్కే సాథ్ ఆయే హువే సభీ మంత్రిగణో కా స్వాగత్ కర్తా హూ. ఏక్ బడీ లంబీ రిలేషన్షిప్ తెలంగాణ ఔర్ మహారాష్ట్ర కి హోగి ఐసా విశ్వాస్ ఇస్ వక్త్ పే వ్యక్త్ కర్తే హువే ఆప్కో బహుత్ బహుత్ బధాయి దేతా హూ. ధన్యవాద్. థాంక్ యూ సర్. I would not request Honorable Chief Minister of Telangana. Pani, employment and budgetary resources, funds. This was a challenge of the whole movement. Andhra Pradesh, Maharashtra ke saath hamesha ladti thi. Ki dheere Telangana ko pani naam di. Upar se wo galat dikhte to log andar se galat tyari mein महाराष्ट्र हो चाहे कर्नाटक हो हमसे जो अलग हुआ आंध्र प्रदेश भी हो हम लड़ना नहीं चाहते किसी का नुकसान करना भी नहीं चाहते उससे हमें कुछ मिलना भी नहीं यही बात मैंने कही थी और आज माननीय मुख्यमंत्री जी को पर्सनली मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ. एक हफ्ता पहले उन्होंने मुझे टेलीफोन किया था और निमंत्रण दिया था कि आप आ जाइए मुंबई में हम बैठ के इंटरस्टेट बोर्ड बना लेते हैं उसके चित्र आगे चलेगा और सारे प्रोजेक्ट हम बना सकते हैं. मैं इतना ही कहना चाहूंगा पानी की उपलब्धि इतना है भगवान का कृपा है प्रकृति का कृपा है कि पानी काफी है गोदावरी में. सीडब्ल्यूसी रिकॉर्ड कहता है कम से कम 2000 टीएमसी से लेकर 4000 टीएमसी तक समंदर में जाता है हर साल. रिसेंटली मैंने विजिटेड कैपिटल ऑफ आंध्रा चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश आप सरप्राइज थे कि आपस में झगड़ा करने से कुछ मिलने वाला नहीं है. जो पानी महाराष्ट्र इस्तेमाल करेगा तो हम इस्तेमाल करेंगे. जो बज रहे पानी हजारों में हजारों डीएम से बज रहे तो आप उसको इस्तेमाल कीजिए. और मिलो बद्रासन जो भी पानी जाता है वो समुद्र में जाता है वो आंध्र प्रदेश के लिए भी इस्तेमाल होना चाहिए. इतना अच्छा प्रदेश से हम लोग काम चलाना चाहते हैं आगे बढ़ना चाहते हैं और महाराष्ट्र से काफी लंबी बॉर्डर है तेलंगाना एंड महाराष्ट्र का. पानी के विषय में नहीं कई अन्य चीजों में भी हमारे एक दूसरे का सहकार सहयोग होना चाहिए और दोनों राज्यों को तरक्की करना चाहिए ये मैं आशा करता हूँ. एक और चीजें मैं इस समय आपके साथ सामने रखना चाहूंगा. लेंथी जो प्रोजेक्ट है हम लोगों का अभी इतना है वहां के जनता जो लैंड एक्विजिशन लेकर हमको सता रहे कभी तैयार है कुछ आपके तरफ से कुछ प्रयास अच्छा हो तो वो सुलझ जाएगा लेडी तक बल में आ जाएगा. लोअर संगम का सवाल है हमारे पास तो बड़ा जोक है सब सरकार का चुनावी जुमला बनकर रहा लेकिन अभी साकार नहीं हुआ. अभी मुझे लगता है तो जल पड़ेगा इसमें कोई दिक्कत नहीं है उसमें दोनों राज्यों का भी फायदा है हमारे. तीसरी बात तमिलघाटी जो मेडिकेटा राजेश का है तमिलघाटी का पास समर्थन जो आप लोग नहीं चाह रहे थे हम लोग उसको मान गए. मुख्यमंत्री जी हमें बताया हम लोग उसको मान गए. आप जिस प्रकार से चाहो तमिलघाटी हम बनाएंगे हमें कोई एतराज नहीं होगा. अगर आप बड़ा भी कुछ पानी महाराष्ट्र के लिए देना भी चाहेंगे तो आप किसी के लिए हमें कोई एतराज नहीं है. पानी को उपलब्ध तो हमारे दोनों राज्यों के लिए वह तीसरा राज्य ले भी नहीं सकता इसलिए जो भी आई तमिलघाटी के लिए आप कहेंगे हम उसके लिए तैयार है. मैं कोई ऐसा नहीं मेरी डाटा जो बना दे उसका निर्यात कर हमने करवाया जैसा हमारे मंत्री जी अभी बताया वो केंद्रीय सरकारी संस्था है आपको उन्होंने किया है सर्वे वो डिटेल्स भी हम सारे आप सुन दिए हैं आप देख चुके हैं और ग्रीड सर्वे भी साफ बता रहे हैं इसका प्रेसिजन इतना अच्छा है हाफ सेंटीमीटर इज द प्रेसिजन वेरी इंप्रेसिव. मेरा सर्वे जो है वो बहुत ही मतलब लाभदायक है लिया हमारे लिए काफी चीज उसमें आ गया है. मैं ये भी कहना चाहूंगा आपको लेवल उसमें जो भी होगा होगा
जो आप बेहतमान जो तो वहाँ पानी की कमी है ही नहीं, काफी फाइन वहाँ आता है, उसके लेवल के लिए भी हमें कोई इतना ही होना चाहिए इतना नहीं होना चाहिए, हमारे ऐसा कोई बात नहीं है, वो भी अच्छा डेवलपमेंट सकता है। लेकिन ये बात जरूर मैं आपको बताना चाहूँगा, पानी स्टोरेज अगर ज्यादा हो हमारे दोनों रास्ते का फायदा होगा, वहाँ से पानी आप भी ले लें हम भी ले लें, वो पेट्रोली के लिए काम आ जाएगा, जो बैलपुर डिस्ट्रिक्ट का केबल ले जाएगा होना चाहिए था, तो पानी मिलना चाहिए, हमें भी पानी मिलना चाहिए, पानी की कोई काफी गलती है वहाँ, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, उसको जितना जल्दी आप बोर्ड मीटिंग करेंगे हम लोग दोनों और उसको पैसा दे दें तो जल्द पड़ेगा। ऐसा सवाल जो भी होता है मुख्यमंत्री जी, जब गेट लगाते हैं, लेकिन एक बात मैं आपसे रिक्वेस्ट देना, अभी अभी से लेकर हम जून तक काम कर सकते हैं, इस बात में काम नहीं कर पाए, जब ब्रॉड कंसेंस ये हो जाए आज आप हमें अनुमति दें कि हम काम शुरू कर सके वहां पर, हाइट कैन बी रेडी पॉइंट ऑफ साढ़े प्रॉब्लम हाइट का हाइट कम ओनली वेन वी आर फिक्सिंग द गेट्स, यानी उसका बुनियाद रखना बैरेज बनाना तो काफी मतलब दिक्कत से काम होता है जानते हैं, तो वो अंडरस्टैंडिंग अगर हो जाए तो वील प्रोसीड, एंड जब हाइट की फाइनल बात हो जाएगी जो आप जो है सहमत दोनों का सहमत हो जाए तो वो चल पड़ेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, तो ये बात मैं चाहता हूँ। और आज मैं मानता हूँ महाराष्ट्र और नवनिर्मित तेलंगाना राज्य के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दिन है, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ तेलंगाना राज्य की जनता की तरफ से, तेलंगाना राज्य की सरकार की तरफ से, यह आप हमें बुलाए और रास्ता निकाले ताकि हमारे प्रोजेक्ट चल पड़े और किसानों का लोगों का जिनका बहुत ही अपेक्षा आशा है बहुत ही मतलब देख रहे हो उनके आशाओं के अनुरूप जो प्रोजेक्ट बने और पानी मिले दोनों राज्यों का फायदा हो। फिर एक बार मैं आपका सभी मंत्रीगण को और आपको आपके अधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, इसलिए कि एक अच्छे फ्रेंडली एटमोस्फेयर में आज हम लोग ये स्टेट बोर्ड का उद्घाटन मतलब ये इंसेप्शन कर रहे हैं कि अच्छे रिजल्ट हमको मिलेंगे, यही नहीं पानी ही नहीं बल्कि अन्य चीजों में भी हमारे आर्टिस्ट के बजट चलेंगे परमिट चलेंगे काफी चीजें रहते हैं, रास्ता अच्छा लगता है और हमारे पास जो अखबार लिखे हैं और आपके अखबार भी लिखे हैं मैंने पढ़ा है सुबह, ये जो देश पूरा लड़ रहा है वाटर वार्स चल रहे हैं, जैसा महाजन साहब ने कहा है युद्ध होगा, कोई युद्ध नहीं होगा, युद्ध जब भी होता है जहाँ अकल की कमी होती है, अब मुझे लगता है हमारे पास अकल की काफी उपलब्धि है तो युद्ध की सवाल जगह ही नहीं, यदि लोग कुछ रहा नहीं वाटर वार्स बिटवीन महाराष्ट्र एंड तेलंगाना, प्रकृति ने हमको दिया है पानी तो इस्तेमाल करना है उतना ही बात है, तो कोई युद्ध नहीं होगा कुछ नहीं होगा, हम अच्छे फ्रेंडली एटमोस्फेयर में अच्छे प्रोजेक्ट बना लेंगे और हमारी जनता के हमारे किसान के आशाओं के अनुरूप हम सफल हो जाएंगे, मैं ये आशा रखता हूँ। इतने अच्छे एटमोस्फेयर में आज जो एग्रीमेंट हुआ जिसके बोर्ड निकल कर आया, तो आपसे ये भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा पहले बोर्ड का मीटिंग भी 5 मिनट के लिए हम कर लें, इट विल बी गुड टेक अप एंड नेक्स्ट मीटिंग I heartfully invite the Honorable Chief Minister of Maharashtra and the Irrigation Minister of Maharashtra and all the officials of Maharashtra, please come down to Hyderabad. I welcome you. Hyderabad is biryani, hum aapko khilayenge, jo puri duniya bhar mein mashhoor hai aur naya raj hai, hamare ko aap log ka aashirwad chahiye hamesha. Hyderabad aaiye, hame kuch salah sujhav bhi de dijiye, aise jo bhi dena hai. I welcome the Honorable Chief Minister and the Irrigation Minister. I would now request my counterpart from Telangana and also my batchmate. Maninya Mukhya Mantri Telangana, Maninya Mukhya Mantri Maharashtra, Maninya Mantri Gan, dono rajyon se, chief secretaries, other dignitaries, sir, jaisa ki aap dono ne bhavnaen vyakt ki hai।
इतिहास में दोनों राष्ट्रों ने स्वेच्छा से किस तरह से अपना जाया जाए और सर जिस तरह का कोऑपरेशन महाराष्ट्र सरकार ने दिया है पिछले विगत एक वर्ष में, हमारे मुख्यमंत्री साहब, मंत्री साहब तीन बार आए, आपके मंत्रीगण सर, हमको ऐसा लगता है कि हम लोग अपने घर में वापस आ गए हैं। तो इस तरह का कोऑपरेशन अधिकारियों ने भी दिया है, तो सर मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सर, और इस कार्य को आगे बढ़ाने की शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू सर।